पटेल ने जी न्यूज की मुहिम को सराहा है। आपको इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, माउंट एवरेस्ट का नाम बदलने पर जो मुहिम शुरू की है जी न्यूज ने, उस पर अब किस तरह से रिएक्शन भी लगातार आ रहे हैं, उसको बल मिल रहा है। माउंट एवरेस्ट का नाम बदलने पर विचार हो, ये प्रहलाद पटेल की तरफ से कहा गया। राधानाथ सिकदर के श्रेय को उन्हें श्रेय मिलना चाहिए। जी न्यूज की मुहिम मुकाम तक पहुंचे, प्रहलाद पटेल ने यह भी कहा कि राधानाथ सिकदर ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापी थी, लेकिन जो श्रेय उनको दिया जाना चाहिए था, जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। और यही जी न्यूज की मुहिम है। राधानाथ सिकदर, जिन्होंने एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने का काम किया, गणितज्ञ राधानाथ सिकदर को उनका हक दिलाने के लिए जी न्यूज ने एवरेस्ट से लेकर कोलकाता तक ये मुहिम शुरू की है। देश भर में जी न्यूज की इस मुहिम को समर्थन मिल रहा है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी जी न्यूज की सराहना की और कहा कि ये मुहिम विचार करने लायक है और वो इस पर आगे चर्चा करेंगे। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी से। माउंट एवरेस्ट बचपन से हम लोग देखे हैं, सुने हैं, और ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत, ऊंची चोटी भी है। हमारे जी न्यूज एडिटर सुधीर चौधरी माउंट एवरेस्ट के बेस तक गए और पूरे दुनिया को दिखाया भारतवासी। लेकिन एक सवाल है कि माउंट एवरेस्ट कभी गए नहीं सर्वे ऑफ इंडिया के थे उस समय, और वो गए नहीं, और ये राधानाथ सिकदर हमारे भारतीय बंगाल के थे, वो इसकी ऊंचाई ना पे थे। तो एक सवाल आता है कि जो गया नहीं उसके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम है। नहीं, मैं कल उस स्टोरी को देख रहा था, अच्छी बात है। हमारा कोई भारत के किसी व्यक्ति ने अगर वो लंबाई को ना पाया तो स्वाभाविक है उनको वो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, पर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भी सवाल है। और मुझे लगता है कि ये एक अभियान छेड़ा है जी ने, तो मैं जीटीवी को धन्यवाद देता हूँ। वो मैंने संयोग बस मैंने खोला तो वो चल रहा था, तो मैंने उसको देखा है। मैं बधाई देता हूँ जी न्यूज को, उनके एडिटर को, और मुझे लगता है कि जब कभी अभियान चलते हैं तो कभी न कभी वो परिणाम तक पहुँचते भी हैं। स्वाभाविक है कि सिकदर साहब ने अगर उसकी ऊंचाई नापी है तो सच है कि हमारे लिए तो गौरव की बात हो गई अगर ऐसा होता है तो। जी, इसी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है और चाइना अपने अपने जो वहाँ के लोकल उस नाम से पहचानते, लेकिन भारत इसको माउंट एवरेस्ट ही कर रहा है। हम लोग का यह कहना है, चाहे जी न्यूज या सुधीर चौधरी जी का, कि ये हम माउंट सिकदर क्यों नहीं कहें। माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसको जो कहना है कदर है, जिस तरह से नेपाल सागर माथा कहता है, उस तरह भारत भी माउंट सिकदर के नाम से इस पर रखना चाहिए। नहीं, आपकी ये मुहिम है, मैं समझता हूँ ये विचार के योग है, एक बार इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी, लेकिन विचार योग्य विषय है, ये मैं मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो राधानाथ सिकदर भारत के महान गणितज्ञ थे और उन्होंने ही पहली बार दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापा था, लेकिन ये श्रेय अंग्रेजों ने उनसे लूटकर सर जॉर्ज एवरेस्ट को दे दिया, जिन्हें ये तक जानकारी नहीं थी कि दुनिया में कंचनजंगा से भी ऊंची कोई पर्वत चोटी हो सकती है। इसीलिए हमने राधानाथ सिकदर को उनका श्रेय दिलाने के लिए एक मुहिम शुरू की है। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए #IndiaForMountSikdar पर ट्वीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किस तरह से राधानाथ सिकदर से उनका ये श्रेय छीना गया। जैसे आप देख सकते हो, ये एवरेस्ट के सामने है। यहां हम हेलीकॉप्टर को लेकर आ गए हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को जिसने उसका मुकाम दिलवाया, जिसने सारी दुनिया को बताया कंचनजंगा नहीं, अपने नामकरण से पहले पीक 15 के नाम से जानी जाने वाली माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। वो नाम आज माउंट एवरेस्ट की तरह बुलंद क्यों नहीं, इसके पीछे था सफलता और श्रेय की लूट का वो सिद्धांत जो अंग्रेजों के डीएनए में था। और हमें लगता है कि जब किसी से उसका श्रेय लूटा जाता है तो ये एक किस्म का भ्रष्टाचार होता है, और राधानाथ सिकदर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारत के महान गणितज्ञ राधानाथ सिकदर ने पहली बार दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापी थी।
लेकिन ये श्रेय अंग्रेजों ने उनसे लूटकर सर जॉर्ज एवरेस्ट को दे दिया, जिन्हें ये जानकारी भी नहीं थी कि दुनिया में कंचनजंगा से भी ऊंची कोई पर्वत चोटी हो सकती है। इसलिए जी न्यूज ने राधानाथ सिकदर को उनका श्रेय दिलाने के लिए एक मुहिम शुरू की है, और ये मुहिम शुरू की गई है उसी माउंट एवरेस्ट से जहां तक पहुंचना भी किसी सपने से कम नहीं। यहां पर मौजूद थे तो आप समझिए एक सपना पूरा होने जैसा है। मेरे ठीक सामने एवरेस्ट है। आप देखिए कितने करीब हैं हम एवरेस्ट से। थोड़ा मैं आपको चलकर बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम एवरेस्ट के इतने करीब आ सकते हैं। और ये एक जगह है जो ये एवरेस्ट का सबसे करीबी पॉइंट है। इस वक्त हम 17,500 फीट की ऊंचाई पर हैं और इस जगह को कहते हैं काला पत्थर। और जैसे आप देख सकते हो ये एवरेस्ट के सामने है, ठीक आप सामने एवरेस्ट को देख रहे हैं। यहाँ हमारा हेलीकॉप्टर है, पीछे देखिए। यहाँ हम हेलीकॉप्टर को लेकर आ गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं जैसे चलते चलते आपको दिखाता हूँ, आप आते जाएंगे, जब हम और थोड़ा सा वॉक करेंगे देखिए। अब हम इतनी ऊंचाई पर हैं कि मुझे थोड़ा सांस लेने में परेशानी हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस समय हम 17,500 फीट की ऊंचाई पर हैं। ये लगभग उतनी ही ऊंचाई है जितनी सियाचिन की है, और यहाँ जो टेम्परेचर है वो भी उतना ही है जितना सियाचिन का होता है। अब एकदम हड्डियों में ठंडी हवा अंदर तक लग रही है, और इस समय यहाँ टेम्परेचर शायद -10 के आसपास होगा। हम यहाँ बिल्कुल अकेले हैं, कोई हमारे आसपास नहीं है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ आज इस जगह से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि माउंट एवरेस्ट पर भारत का भी दावा होना चाहिए। ये माउंट एवरेस्ट को अप्रोच करने के दो तरीके हैं, एक नेपाल के जरिए जहाँ से हम आए हैं, और इसके पीछे एक और रास्ता आता है, वो चाइना से आता है। और चाइना से क्या, असल में तिब्बत से आता है, लेकिन तिब्बत को चाइना अपना मानता है, इसलिए इसके पीछे का जो पॉइंट है इस पहाड़ के पीछे, वहाँ से आप चाइना के जरिए भी माउंट एवरेस्ट पर आ सकते हैं और यहाँ के जरिए भी आ सकते हैं। आज मैं यहाँ आपको खड़े होकर ये बताना चाहता हूँ कि माउंट एवरेस्ट का भारत के साथ क्या कनेक्शन है। माउंट एवरेस्ट से भारत का कनेक्शन जोड़ने वाला नाम है राधानाथ सिकदर, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई सबसे पहले बताई। यहाँ पर आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि कोलकाता में जन्मे राधानाथ सिकदर ने कैसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को मापा। राधानाथ सिकदर का जन्म वर्ष 1813 में संयुक्त बंगाल के कलकत्ता में हुआ था, और बचपन से ही उन्हें पढ़ने लिखने में काफी रुचि थी। उनके परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी, ऐसे में उनके पास एक ही विकल्प था, वो किसी भी तरह स्कॉलरशिप हासिल कर लें, और इसमें उन्हें सफलता भी मिली। वर्ष 1824 में कलकत्ता के हिंदू स्कूल, जो आज प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें उन्हें दाखिला मिल गया। उनका प्रिय विषय गणित था, इसलिए इस विषय की वो पढ़ाई करने लगे। वर्ष 1831 में जब सर्वे ऑफ इंडिया में उन्हें कंप्यूटर के पद पर नौकरी मिली, तब सर जॉर्ज एवरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे। उस वक्त कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था, सारी गणनाएं लोग खुद ही किया करते थे। ऐसे लोगों को सर्वे ऑफ इंडिया में कंप्यूटर कहा जाता था, क्योंकि कंप्यूटर का मूल काम गणना करना ही है। वर्ष 1830 के दशक में सर्वे ऑफ इंडिया की टीम हिमालय पर्वत श्रृंखला के करीब पहुंच गई। उस समय कंचनजंगा पर्वत के शिखर को ही दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माना जाता था।
लेकिन बाद में पीक 15 नाम के पर्वत शिखर की पहचान हुई और इसे मापने का काम राधाराज सिग्दर को सौंप दिया गया। माउंट एवरेस्ट को ही पहले पीक 15 कहा जाता था। वर्ष 1852 में राधानाथ सिग्दर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा था, 1852 में। और सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट था उन्होंने उन्हें ये काम दिया था राधानाथ सिग्दर को कि आप जाइए और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नाप कर आइए। और राधानाथ सिग्दर ने इस ऊंचाई को नापा और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1852 में, वो बंगाल के बहुत मशहूर गणितज्ञ हैं थे जिन्होंने इसकी ऊंचाई नापी। उस समय विदेशियों को नेपाल की सीमा में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी, इसलिए राधानाथ सिग्दर वहां नहीं जा पाए, पर उन्होंने वहां से दूर रहकर एक विशेष उपकरण और गणित में इस्तेमाल होने वाले ट्रिग्नोमेट्री सूत्रों की मदद से पीक 15 की ऊंचाई कैलकुलेट की और ये ऊंचाई थी 8839 मीटर। राधानाथ एक बहुत क्वालिफाइड मैथमेटिशियन थे। उनका जो पोस्ट था उसका नाम था कंप्यूटर उस दैट टाइम। तो उन्होंने पूरा कैलकुलेशन करके उस समय 29,000 राउंड फिगर आया था। तो कॉर्नेलवा सोचे थे 29,000 सबको बोलूं तो सोचेगा एक गोलमोल एक नंबर है, तो शायद ये कोई अंदाज का नंबर होगा। तो 2 फीट और लगा दिया तो 29,002 फीट बोल के उस समय उन्होंने डिक्लेयर किया इनका। लेकिन राधानाथ सिग्दर का जो फेम मिलना चाहिए था वो फेम नहीं मिला। सबने वो जॉर्ज एवरेस्ट का बारे में बताया सबको ये पीक एवरेस्ट का नाम पे और एंड्रू वा लाइमलाइट में आ गया। वर्ष 1852 में राधानाथ सिग्दर ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की जानकारी एंड्रू स्कॉट वॉ को दी। एंड्रू स्कॉट वॉ सर जॉर्ज एवरेस्ट के बाद सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एंड्रू स्टॉक वॉ ने 4 वर्षों तक राधानाथ सिग्दर की सफलता के बारे में किसी को नहीं बताया। उन्होंने 4 वर्षों तक राधानाथ सिग्दर के दावे का आकलन किया और वो आखिर में इस नतीजे पर पहुंचे कि राधानाथ सिग्दर की जानकारी पूरी तरह सही है। यहाँ पर डायरेक्टर होने के नाते एंड्रू स्कॉट वॉ का कर्तव्य था कि वो राधानाथ सिग्दर को इसका श्रेय देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एंड्रू स्कॉट वॉ सर जॉर्ज एवरेस्ट को अपना गुरु मानते थे और इसीलिए उन्होंने पीक 15 पर्वत शिखर का नाम अपने गुरु के नाम पर माउंट एवरेस्ट रखने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद ये प्रस्ताव ब्रिटेन की रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी को भेज दिया गया और इस प्रस्ताव को मंजूर भी कर लिया गया। यानी राधानाथ सिग्दर से माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई मापने का श्रेय छीन लिया गया और दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नामकरण एक अंग्रेज के नाम पर कर दिया गया जिन्होंने इसे देखा तक नहीं था। डिस्कवरी ऑफ द हाइट ऑफ एवरेस्ट व्हिच प्रूव्ड दैट इट वाज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, दैट डिस्कवरी वाज मेड बाय राधानाथ सिग्दर इन 1856, 1 year बिफोर द म्यूटिनी। One point that I would stress is that Bengalis have a history of psychological grievance against Englishmen or other foreigners in the context of true credit due to the Indians. Radhanath Sikdar was a good example of this. The fact that the mountain was renamed Mount Everest, which displaced its Tibetan name, was after his boss rather than he himself. I mean, Sikdar. आप कह सकते हैं अगर भारत 1852 में एक आजाद देश होता तो दुनिया माउंट एवरेस्ट को माउंट सिग्दर के नाम से जानती। हालांकि ये भी एक बड़ी विडंबना है कि आजादी के 73 वर्षों बाद भी भारत में राधानाथ सिग्दर को उनका हक दिलाने के लिए कोई आवाज बुलंद नहीं हुई, किसी भी सरकार में इस पर कोई मुहिम नहीं चलाई गई, उनके लिए पुरस्कार नहीं लौटाए गए और न ही कोई आंदोलन हुआ।
लेकिन जी न्यूज ने इसके लिए एक मुहिम शुरू की है ताकि राधानाथ सिकदर से लूटा गया श्रेय उन्हें वापस लौटाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। कोलकाता के पास चंदन नगर में राधानाथ सिकदर ने आखिरी सांस ली थी। अपने जीवन का ज्यादातर वक्त गुजारा था इस शहर में। आज भी उनकी कई यादें बिखरी हुई हैं। जी न्यूज हर उस जगह पहुंचा जहां राधानाथ सिकदर की निशानियां हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि एवरेस्ट की तरह जिन ऊंचाइयों के वो हकदार थे उन्हें कहीं नहीं। जिन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाई सबसे पहले दुनिया को बताई, आज उनकी विरासत खंडहर में तब्दील हो गई है। जिस घर में राधानाथ सिकदर ने अपना अंतिम वक्त गुजारा, जिस घर में इस महान गणितज्ञ ने आखिरी सांसें ली, आज वहां पर टूटी फूटी दीवारों के सिवाय कुछ भी मौजूद नहीं। राधानाथ सिकदर आज अगर जीवित होते तो अपने घर की यह हालत देखकर उन्हें बहुत दुख होता। ये स्थानीय लोग जो है उनका ये कहना है कि अंतिम वर्षों में उनके देहांत के पहले वो इसी घर में रहते थे और काफी बीमार चलते थे। स्थानीय लोगों से काफी बातचीत कम करते थे, मिलना जुलना काफी कम था और 1870 में जो है उनका देहांत होता है। लेकिन अगर हम आपको इस तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर इस पूरे इलाके की जो तस्वीर है वो चेंज हो चुकी है। यहाँ का नक्शा बदल चुका है, यहाँ के लोग बदल चुके हैं, आसपास में जो इमारतें हैं वो चेंज हो चुकी है, नई इमारतें यहाँ बन चुकी है। तो अब इस घर में ना ही तो सिकदार के परिवार वाले हैं, ना ही उनका घर बचा है और ना ही आस पड़ोस के लोग बचे हैं। लेकिन अगर कुछ बचा है तो सिर्फ ये कुछ दीवारें जो आज भी हुगली चंदन नगर ही नहीं लेकिन पूरे देश के लोगों को राधानाथ सिकदार की यादें दिलाती है। कोलकाता और आसपास राधानाथ सिकदर की कई यादें मौजूद है। ये टावर भी राधानाथ सिकदर की सफलता का गवाह है। ये टावर वर्ष 1831 में बनाया गया था। इसे ग्रेट ट्रिग्नोमेट्री सर्वे टावर कहा जाता है और आप कह सकते हैं कि ये टावर राधानाथ सिकदर की महानता के दर्शन कराता है। हम फिलहाल कोलकाता के बीटी रोड में हैं और मेरे ठीक पीछे है जीटीएस टावर। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है और किसकी बदौलत ये टावर है शायद ही किसी को पता होगा। यहाँ पर आपको इस टावर की खासियत भी समझनी चाहिए। कलकत्ता तो एकदम मान लो फ्लैट लैंड है, तो कोई हाई पॉइंट तो नहीं है, तो आर्टिफिशियली हाई पॉइंट बनाने के लिए वो बीच बीच में टावर बनाया था, वही जीएसटी टावर। एक टावर से दूसरा टावर वो मेजर करके वो उसका मैप बनता था। कहीं भी उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कहीं नहीं दिखता है उनका। ठीक एकदम। सिर्फ वो नहीं, राधानाथ सिकदर बहुत काम भी किया था, बहुत किताब लिखे थे और जो महिलाओं को शिक्षा के लिए उधर परिचित मित्र उनका एक दोस्त सब मिलके बहुत काम किए थे, लेकिन उतना हम लोग माने भूल जाते हैं बहुत जल्दी, तो ये नहीं होना चाहिए। जहां राधानाथ सिकदर ने आखिरी सांसें ली उसी हुगली जिले में उनकी कब्र भी मौजूद है जहां पर उन्हें दफनाया गया था। लोग आज भी उन्हें याद करने के लिए यहां पहुंचते हैं और कब्र के ऊपर लगे पत्थर में लिखी इबारत को पढ़कर राधानाथ सिकदर की महानता को समझते हैं। राधानाथ सिकदार का जन्म 1813 में कोलकाता के जोराशाको इलाके में हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन जवानी के दिनों में ही उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। 1870 में जब उनका देहांत हुआ उससे कुछ वर्षों पहले ही वो हुगली जिले में चंदन नगर स्थित उनके घर पर वो आ बसे। हालांकि बाहर जाना कम हो गया था, आस पड़ोस के लोगों से बातचीत कम हो गई थी, बीमार भी रहते थे, लेकिन जब उनका अंतिम संस्कार किया गया उनके देहांत के बाद वो पूरी तरीके से क्रिश्चियनिटी के रीति रिवाजों से किया गया। चंदन नगर की फ्रेंच सिमेट्री की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां पर राधानाथ सिकदार को दफनाया गया था। अगर आप टोम की तस्वीरें देखें तो यहां पर भी माउंट एवरेस्ट की झांकी आपको दिखेगी। यहां पर राधानाथ सिकदर की याद में बनाया गया एक म्यूजियम भी मौजूद है। ये दुनिया में अकेला ऐसा म्यूजियम है जो राधानाथ सिकदर की उपलब्धियों को बयान करता है। ये बंगाल का एक प्राइड है। ये राधानाथ सिकदर जो हिमालयन म्यूजियम है ये 1975 में हमने ये म्यूजियम इधर बनाया। तो उनका जन्म हुआ 1813 में है,
1813 में उनका जन्म हुआ और 1870 में उनका देहांत हो गया चंद्रनगर में। तो जब देहांत हो गया तो इधर का जितना माउंटेनियर है, जितना एडवेंचर लवर्स है, तो उन्होंने सोचा जे एक हमको म्यूजियम बनाना चाहिए इनका नाम पर। ये सबसे बड़ा इंडियन साइंटिस्ट, सबसे पहले वाला पहले साइंटिस्ट, इसलिए हमने सोचा जे ये फॉर फ्यूचर जनरेशन इनका थोड़ा हमको रिगार्ड देना चाहिए, इसलिए हमने ये राधानाथ सिकदार हिमालयन म्यूजियम बनाया। ये इंडिया में तो फर्स्ट है, वर्ल्ड में एक ही है, दूसरा नहीं है। जिस महान गणितज्ञ के बारे में पूरी दुनिया को जानना चाहिए था, वो सिर्फ एक छोटे से शहर की एक सड़क का नाम बनकर रह गए। ऐसे में जी न्यूज आपको राधानाथ सिकदार की पूरी कहानी बता रहा है। जवानी के दिनों में ही उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। आखिरी के कुछ दिन वो हुगली जिले के चंदन नगर में उन्हें बिताए। ऐसा नहीं कि राधानाथ सिकदार को सम्मान दिलाने की कोशिश बिल्कुल नहीं हुई। 1966 में इंडियन जर्नल ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस में भी राधानाथ सिकदार की सफलता के बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन ये कोशिश यहीं पर खत्म हो गई। हम सभी जानते हैं किताब में पढ़ा है कि राधानाथ सिकदार उसी टाइम में इतना बड़ा मैथमेटिशियन था, तो वही कैलकुलेट कर पाया था जो पिक 15 का। लेकिन एक क्या दुख का बात है कि उसका नाम कहाँ पे भी जुड़ा नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इसका नाम भी जो माउंट एवरेस्ट और चोमोलुंगमा और सागर माता उसका नाम पे जुड़ा रहेगा, वो हम आगामी दिन में उसका नाम उसमें उसको रिकॉग्नाइज करेगा तो हमको अच्छा लगेगा। हैरान करने वाली बात यह भी है कि नेपाल और तिब्बत की सीमा पर मौजूद माउंट एवरेस्ट का नाम तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा है। नेपाल के लोग इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ये माउंट एवरेस्ट के नाम से प्रसिद्ध है, जबकि इसकी ऊंचाई राधानाथ सिकदार ने मापी थी। राधानाथ सिकदार ने शादी नहीं की थी और आज उनकी कहानी सुनाने वाला उनका कोई नहीं, लेकिन हम राधानाथ सिकदार की उपलब्धियों का सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि उन्हें उनका वो श्रेय मिले जिसे अंग्रेजों ने उनसे छीन लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पूजा मेहता, प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।